सा ये इश्क है, अजब सा इश्क। डैड, अरे भाई साहब, डैड क्या हुआ वहां? डैड बताइए तो सही। डैड, अरे डैड क्या हुआ बताइए प्लीज। उतर उतर उतर, तू राजगीर को भूल, राजगीर को भूल, राजगीर को भूल, राजगीर को भूल। मैं तेरी शादी इस परिवार में हरगिज़ नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। डैड, डैड हुआ क्या? राजवीर के घरवालों ने आपको अच्छे से ट्रीट तो किया ना? किसी ने मिसबिहेव तो नहीं किया ना डैड? मिसबिहेव? अच्छा हुआ जो बात में वहां कहने गया था वो कहे बिना मैं वापस आ गया, वरना मिसबिहेव की स्पेलिंग वो लोग मुझे समझा कर वापस भेजते। डैड आप क्या कह रहे हैं मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ गया, साफ साफ आ गया। कहने को जिस जगह मैं गया था वो एक गाँव है, लेकिन वहां के लोगों की सोच गांव वाली बिल्कुल नहीं। तो डैड फिर शहर जैसा एनवायरनमेंट तो होगा ना वहां? जंगल जैसा है, वो एक अजीब सी दुनिया में रहते हैं। उनकी सोच हजारों साल पुरानी और वो बदलना ही नहीं चाहते। पुत्र, जितना यकीन मुझे तेरे प्यार पे है ना, उतना ही यकीन मुझे इस बात पे है कि वो तेरे प्यार को समझ ही नहीं पाएंगे। अरे उनके दिल में नफरत के अलावा और कुछ है ही नहीं। जो लोग दो प्यार करने वालों को जलाने की बातें कर सकते, उनके दिलों में प्यार नहीं जगाया जा सकता। पहले जब मैं वहां पहुंचा तो वो औरतें घूंघट में थी, चलो ठीक है वो संस्कार है उनके, लेकिन फिर वो तुम्हारे वो बॉक्सर चाचा वो पीछे भाग रहे थे किसी के गोली मारने के लिए, वो तो मार ही डालते उन्हें। और राजवीर कुछ नहीं, चुपचाप वहां खड़ा सब कुछ सुनता रहा, एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला वो। मतलब मैं हैरान हूं, और वहां मैं तेरा ब्याह कर दूं? वो मुझसे नहीं होगा ये, मैं नहीं कर सकता तेरा ब्याह वहां पे, नहीं कर सकता। डैड आपने तो खुद ही देखा ना कि राजवीर उन लोगों से बिल्कुल अलग है। कुछ भी गलत नहीं किया डैड, आप तो खुद जानते हैं कि वो हेल्पलेस खड़ा था, उसने कुछ नहीं किया डैड। राजवीर ने उनकी हां में हां नहीं मिलाई, मानता हूं, लेकिन उनकी बातों का जवाब भी नहीं दिया पुत्र। वो चुपचाप वहां सुनता रहा, सहता रहा, और ये बात बहुत गलत है। वो तो एक बात है, फिर मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि वो तेरे लिए, तेरे प्यार के लिए किसी से लड़ेगा, तुझे सपोर्ट करेगा? करेगा राजवीर मुझे सपोर्ट भी करेगा और सबके सामने एक्सेप्ट भी करेगा, आप देख लेना। राजवीर अब कुछ कहना बाकी है? राजवीर अंकल जी, मारी बात का प्लीज बुरा मत मानना, पर बात यह है कि आप प्लीज मारा पीछा करना छोड़ दो। और आप तो जानते ही हैं मेरा ब्याह भी पक्का हो चुका है, और मैडम जी ये सब बातें देखते हुए भी अनदेखा कर रही हैं। अंकल जी आप तो बड़े हैं, और आपको तो उस लड़की के बारे में सोचना चाहिए, और अगर किसी को पता चल गया। अंकल जी आप हमारी बात का मतलब समझ रहे ना, खामखा उस गांव की छोरी को बेमतलब के ताने सुनने पड़ जाएंगे, बगैर किसी गलती के उसको बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ जाएगी। अंकल जी सुन लिया या आपको सुनना बाकी है? भूल जाओ उसे, जाओ अपना सामान बांध लो, वी आर लीविंग एज सून एज पॉसिबल।
जैकी, मैं जानू तने घना बुरा लग रहा मैडम जी के लिए। उनसे कई ज्यादा बुरा ना मैंने थारे वास्ते लग रहा है भाई, क्योंकि जिंदगी भर तू रहने वाला इस घर में मारी आंखों के सामने। जग्गी मैं ठीक हूँ यार। अगर तू ठीक होता ना भाई तो आवाज तेरे दिल से निकलती और मारे दिल तक पहुंचती। अभी तो कानों तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंच रही से। और तूने एक बात समझ ले, तूने हालात से नहीं अपनी जिंदगी से समझौता कर रहे से। अरे मैडम जी तो चली जाएगी वापस और यहाँ रह जाएगा तू, और यहाँ रह के ना तू घुड़ घुड़ के जीवेगा कम और मरेगा ज्यादा। और यो बात ना हमारे से बर्दाश्त ना हो रही से। मेरी बात मान, चल जाके ताऊजी से बात करते हैं। चल जागी, जागी, मारी 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 बात समझ। मैंने जैसे जो बात करनी थी ना मैं कर चुका, अभी किसी और से कुछ भी बात करने का कोई फायदा नहीं, जो हो जाए बस उसे होने दे। अरे ऐसे कैसे तेरी जिंदगी यूं बर्बाद हो जाने दो भाई ना, जो मैं कतई होने ना दूंगा। देख अगर तू बात ना कर सके ना तो मैं खुद जाके ताऊजी से बात करूंगा। जग्गी अपना यो पागलपन संभाल, तू भी जाने कि ताऊ से बात करने का कोई भी नतीजा ना निकलेगा। क्या होएगा, ज्यादा से ज्यादा ताऊजी गोली मार देंगे ना। ठीक है खा लूंगा गोली अपने सीने पे, पर थारा यो मजाक ना सबके सामने ना बढ़ने दूंगा मैं। देख तू हट जा मारे रास्ते से, मैं खुद जाके ताऊजी से बात करूंगा। बात समझ में नहीं थारे को, ताऊ से बात करके कोई रास्ता ना निकलेगा, सबके सब रास्ते बंद हो चुके। एक रास्ता था जो मारी तरफ खुद ब खुद चल के आ रहा था, लेकिन वो भी मैंने खुद ही बंद कर दी, क्योंकि उस रास्ते में जो एक्सीडेंट होता ना बहुत को चोट पहुंचती भाई। प्यार तो दे ना पाया मैडम जी को, इसलिए नफरत करने का एक मौका जरूर देखिए। अब तो सुन ले, इस घर में वो ही होगा जो होना चाहिए। सब सुन भी लिया और देख भी लिया मैंने, कहानी भी पूरी पता चल गई मैंने अपने बेटे की बेचैनी की। अब डिटेल में तू मैंने बताओगे पूरी राम कहानी, मामला कैसे है पूरा। अरे बोलना भाई, प्यार करे कि ना करे। करूं घना प्यार करूं, इतना प्यार करूं कि उन्हें किसी तकलीफ में ना देख सकूं। सच छोड़ के देखो जी, सच झूठ का पता अपने आप चल जाएगा। मारी सगाई तय हो चुकी है मैडम जी, और कुछ दिनों में मारा ब्याह भी होने वाला है। जगी अपने प्यार को लेके अपने परिवार को ना तोड़ सकूं मैं, तू बता मत कोई मंजूर करेगा यो रिश्ता, कोई समझेगा हमारा पागलपन। कैसा ये इश्क है, अजब सा इश्क है।